पंजाबी नामवर गायक बब्बू मान दे वल्लों किसान मजदूर एकता दे बैनर हेठ किसान अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों दे परिवारक मैंबरां नूं आर्थिक मदद दित्ती गई। किसान अंदोलन दे 11 शहीद किसानों दे परिवारां दे नाल गायक बब्बू मान अते करण कुमान कैनेडा ने दुख सांझा करन तों बाद 50,000 रुपए की नकद राशि भी भेट की। इस मौके गायक बब्बू मान ने शहीदां दे परिवारां नूं भविख विच भी हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिता। अगाह भविख च भी जिहड़े बंदे हुण अपने नाल जुड़नगे तो उन्होंने परिवारों के बच्चों की पढ़ाई लई भी आपां उपराले करते रहांगे। बहुत ही गल्लां ना करिए बाबे का नाम लेके आपां शुरू करदे। बिल्कुल बुलाया कुछ साथियों ने साडे बहुत सहयोग दिता है। करण जी नाल खड़े ने, निकी साहब खड़े ने, साडे होर भरा ने, अपने करण जी नूं नाम सारे याद है। साडे टोरंटो तों इंद्रजीत धुग्गा जी, रणधीर सिंह संधू जी, तो अमरजीत शाही, एंडी गरेयाल, बब्बल संगरूर, संघा बीसी सारे ने सहयोग दिता। उन्हों का भी असं बब्बू जी वालों सारे का धन्यवाद करते हैं। मकसद सिर्फ कट्ठे होने का ही नहीं, थोड़े नाल खड़े हैं। परमात्मा थोड़ा इस दुख की घड़ी थोड़े हमेशा थोड़े नाल ही रहेंगे। कोई थोड़ा कोई दिक्कत तकलीफ है, थोड़े को नंबर है साढ़े, जद मर्जी फोन करो। यही कि थोड़े इतने बताया उदो ता ही असं किसी प्रेस वाले ने किसी को भी नहीं सद्या, दसिया ही नहीं अपने साथ नाल जो 24 घंटे उन्होंने मैंने बुलाया। थोड़ा कोई दुख तकलीफ है फोन कदम भी कर सकते हो बिना किसी को, यही नहीं कि अच्छ कह रहे हैं कल बुला। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ गुरप्रीत तणकी, तो तुम देख रहे हो अजीत वैब टीवी। इस वक्त जो पंजाब दे विच किसान संघर्ष शिखर से है, तो वख-वख जिहड़े लोग ने इस संघर्ष के अपना जो आप अपने ढंगा के नाल योगदान पा रहे हैं। अज असी खड़े हाँ बब्बू मान के पिंड खंट मानपुर विखे, जिथे मान साहब वालों जिहड़े किसान संघर्ष के शहीदों जिहड़ा उन्हां दी आर्थिक मदद की गई है। साढ़े नाल ने मान साहब के निजी सलाहकार मुनीश जी, उन्होंने गलबात करते हैं भी इन्हों का जो अज उन्हों का की प्रोग्राम से इतने। स्वागत है अजीत वैब टीवी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इतने किसान संघर्ष के शहीदों की जी मदद की है जी, वह की एजेंडा? एजेंडा तो कुछ नहीं जी, सिर्फ एक दसना है कि असं थोड़े नाल खड़े हैं, हर दुख सुख खड़े रहेंगे। पहला भी खड़े किसानों, अज भी खड़े हैं तो कल भी खड़े रहेंगे। अज पहला तो जी दुख की घड़ी वो असं शरीक हुए उन्होंने, बहुत दुख की गल है कोई शहीद हो गए। इस इन्ने वड्डा संघर्ष चल रहा पंजाब के करीब, मेरे ख्याल अज मैं देख रहा पंजाब के करीब हूँ तक शहादत हो चुकी है। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, इन्नी ठंड च इन्नी प्रॉब्लम के बच्चे असी उस चीज़ में जिदा भी कोई हल कढ़ना है। 29 की मीटिंग मैं उम्मीद करता भी वो मीटिंग ठीक रहेगी और वह कोई हल निकलूगा और किसानों के हक से निकलना चाहिए। ठीक है, तुम जो किसान संघर्ष चल रहा सिखां ते इहनू किस रूप दे विच देखदे हो भी, ये जो यू पूरा यूथ उठ खड़ा होया पंजाब दा? देखो जी, किसान अगर आप देखिए, अगर तुम पढ़ते भी हो गए, मैंने पता सारे अजक सूझवान ने, पूरे वर्ल्ड अगर आप किसानी की हालत देखिए तो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है जी। अगर आप लगे कि बाहर किसानी की हालत बहुत चंगी है तो इदा नहीं है, तुम अगर चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बाहरले किसान डिस्कशन कर, उन्होंने अलग प्रॉब्लम्स ने, बट सानू अपने देश नाल मतलब है। साडे किसानों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साडे जिस सूबे असं रहने पंजाब उत्थे सब तो वध किसानी नाल संघ नाल जुड़े लोग ने, संघर्ष भी सब तो मुद्दा मूहरे उ ने, इस करके इस तरह नाल खड़ांगे और ये चाहते हैं भी कानून वापस लेते जाने और उन्हों की हैल्प होए ताकि वो अपना घर करी आए, नवा साल अपने घर मना। गल इस तरह से कि असं कई काफ़ी लोगों को संपर्क किया, कई सारे परिवारों ने मना भी करता आने, तो सारी टीम ने उन्होंने संपर्क किया। उस तो बाद 11 परिवार इतने आए थे जी, 11 परिवार से उन्होंने मदद की। हम मदद की वैसे रकम दसनी नहीं चाहिए पर चलो तुम पूछे, 50,000 रुपए कैश दते जी, सब के संयोग न जी, जिन्हें जो करण जी और इन्होंने साथी भी नाल ने। तो ये एक किसान मजदूर एकता का जो नारा अज दिता, किस रूप देखो जी, किसान मजदूर एकता की जी गल हुई सी 2019 इन्हों के कप दड़बे की सी, मान साहब ने उत्ते पहली बार नारा दिता सी, बोलते गल तो इस बारे पहला भी करते पर पहली बार पब्लिकली जो बोले तो उत्थे दी गल है। किसान तो मजदूर या जिहड़ी भी जो लोग भी मेहनत कश ने उन्होंने नाल असी पहले भी खड़े अज भी और कल भी। रही गल किसानी बारे गल करनी, मान साहब अज तो गल कर नहीं रहे, वो हमेशा 10-15 साल अगे चलते हैं, जो चाहे उन्होंने म्यूजिक होए, चाहे उन्होंने गाने के लिरिक्स हो, चाहे किसानी के संघर्ष बारे गल्ला सी, वो बहुत साल पहला तो कहने, उन्होंने गाने सुन लो, पिक्चर देख लो, तो उन्होंने सारा कुछ क्लीयर हो जूगा जो कुछ अज हो क्या उन्होंने पहला नहीं दसिया से, वो उत्तों की क्लीयर हो जाती गल। तो भविख्य के भी जो इस तरह के जो उपराले जारी रहेंगे मान साहब? 100% भाजी, चलो मैं हमेशा एक गल कहना, एक फिल्म बनाना चाहता मैं जी कि छोटी डॉक्यूमेंट्री द रियल फेस ऑफ बब्बू मान, वह मतलब यह है। हूँ यहाँ कोई चक ले भी अंग्रेजी से दसा द रियल फेस ऑफ बब्बू मान का असली चेहरा की है, असली रूप की है। वो शुरू तो ही ये काम करते आ रहे, जो सिंगिंग भी हले वो नहीं आए थे, मैंने 92 तो 93 तो भी याद है, ओल्ड एज होम की सेवा होए, पेड़ लाने की मुहिम होए,
कपड़े वंडन की मुहिम, गरीब बच्चों को पढ़ाने की मुहिम, चर्च हर जगह जाके, कोई धर्म नहीं असीं देखा, सारे धर्मों को बराबर मानते हैं मान साहब, हर जगह जाके सेवा कर रहे हैं कई साल, पर कदे भी असीं अखबारों या चर्चा या नैट पर पा के या लाइव हो गया अज तक नहीं किया, ना करांगे। सिर्फ इक्को सोच है, पॉजिटिव सोच लैके चल रहे हैं, जिन्ना कुछ हो सकता है समाज लिए करना चाहते दिलों। इस टाइम किसानी मेन मुद्दा, किसानी किसानों बारे जान भी देनी पेगी तो दे देंगे। कमान साहब, ये जिहड़ा अज प्रोग्राम किया गया, तुसीं इहनूं किस रूप च देखदे हो जी? देखो जी, रूप तो जिदा मनीष जी ने पहला भी दस चुका, रूप यदा कोई नहीं जी। मान साहब तो साड़ी समुची टीम है जी, उहदे विच निज्जर जी ने, बाजवा साहब ने, तो होर भी साडे जिहड़े सहयोगी ने, तो असीं तां सिर्फ किसानी दे हक च आ। असीं दिल्ली भी 5-6 दिन जाके आए मान साहब नाल, ते बाकी पहला भी जिहड़े नारा मान साहब ने दिता सी 2019 जिवें मनीष जी दस के हटे ने, वो दड़बे दे टूरनामेंट तो दिता सी, क्योंकि ये तो पहला पता नहीं सी, क्योंकि मान साहब जे एडवांस सोच उन्होंने जो उन्होंने गीतां राही भी पंजाब नूं सेध दित्ती है, ते बाकी जो है किसानी की हैल्प है वो हर टाइम, क्योंकि साडे नाल तां मान साहब गल्लां करदे रहिंदे ने, बहुत ज़्यादा उन्होंने फिक्र है, क्योंकि जिहड़े कानून ने तिन्ने रद्द होने चाहिए ने, साडी तां यही सरकार नूं सीधा बेनती कर सकते हैं। बाकी संघर्ष दे विच असीं हर टाइम किसानी दे जो किसान यूनियन ने उन्होंने नाल, साडी जो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का जो नारा है वो भी असीं, तुसीं देखिया होना, एक चीज़ गल होर, तुसीं सारे संघर्ष दे विच 80% जिहड़ा नारा ये चल रहा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा जिहड़ा, वो नारा जिहड़ा बब्बू मान साहब ने लोगों ने प्रवान कर लिया, उस चीज़ को प्रवान किया 2019 दे विच, 2 साल पहला ये नारा जो मान साहब ने दिता सी। बाकी उन्होंने जिवें मनीष जी ने दस्सिया पहला भी, तुसीं 10 साल पिछे चल जाओ, किसानी बारी जिन्ने उन्होंने जो गाने गाए ने, मैनूं लगता नहीं किसी सिंगर ने होर गाए हो, बाकी सारे सिंगरां दा उस इस जो किसान एकता संघर्ष है उहदे विच सारयां दा सहयोग है, सारयां दी तुहानूं। अज दा जिहड़ा प्रोग्राम मेरे च मेन जिहड़ा तुसीं कीता सहयोग, देखो सारे साडे यारां दोस्तां दा, जिवें निज्जर साहब हो गए, बाजवा जी हो गए, साडे कनेडा तों वी जिवें इंद्रजीत धुग्गा, एनडी गरेवाल, ते अपना संधू रणधीर सिंह संधू धीरा माणूके, ते अपना बब्बल संगरूर, संघा बीसी सुखबीर, इकिंदरजीत बंबे, तो सारे साडे जिवें साडी टीम है जो उहदा सारी दा सहयोग है, सारयां दा सी। लोक समाज सेवा दे विच इदां काम करदी है? हाँ बिल्कुल, जो भी किसानी नाल रिलेटड होणगे, मजदूरी नाल रिलेटड होणगे, उहनां दे असीं सारे जो भी साडी टीम है वो काम करदी रहूगी। ठीक है। सो यह करन घुमाण दिड़बा जिन्हां ने दस्सिया भी जिहड़ी इन्हां दी पूरी टीम है वह समाज सेवा दे विच जिहड़ी पूरी तरह तत्पर है, तो फ्यूचर दे विच भी जिहड़े किसान परिवारां दे नाल खड़दे रहणगे। सो हुण साडे नाल ने किसान संघर्ष दे शहीद जिला मानसा दे नाल संबंधित ने खेड़ी चहलां वाली धन्ना सिंह जी, उन्हां दे परिवार भी इत्थे बैठे ने, उन्हां दे जिहड़े धर्म पत्नी अज इत्थे पहुँचे हुए, उन्हां नाल गलबात करदे आ। तुसीं अज आए हो जी इत्थे, मतलब जदों धन्ना सिंह जी दी शहीदी होई उदों मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ? ਊਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੌਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸੀ। तो दोस्तों अज असी आए थे पिंड खंट मानपुर विखे जिथे प्रसिद्ध गायक बब्बू मान वालों किसानी संघर्ष के जोड़े शहीद से उन्होंने परिवारों की जी आर्थिक मदद की गई है। हर एक परिवार को 50-50 हज़ार रुपए की नकद राशि उन्होंने वालों दी गई है। इस तों अलावा जोड़े पिंड के लौटवंद परिवार से उन्होंने गर्म सूट वंडे गए, गर्म शॉल वंडे गए। मान साहब के साथियों का यह कहना है कि जी उन्होंने वालों ये मुहिम चलाई गई है, इन जिहड़ा जो निरोल मकसद है वो समाज सेवा है। भविख्य भी जड़िया इस तरह दहिम उन्हां वल्लों जारी रहणगियां। मैं गुरप्रीत सिंह अणखी खंट मानपुर तो अजीत वैब टीवी लई। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।